दोस्तों नमस्कार। आज 20 अक्टूबर है और आज की 20 अक्टूबर की बड़ी खबर में क्या कुछ डिटेल्स निकल के आएगी, हम इसे विस्तार से जानेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और आप सभी जानते ही होंगे कि कुमार ग्रुप यूट्यूब चैनल बिहार के सभी यूनिवर्सिटी की खबर को पर डे आपको बतलाता है, तो हमारे साथ बने रहिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, उस लिंक से जुड़ जाइए, आपको अपडेट मिल जाएगी। तो चलते हैं, हम स्क्रीन पर आ जाते हैं। यहाँ पर जो खबर है, मुंगेर विश्वविद्यालय से खबर है और आज से मुंगेर विश्वविद्यालय खुल जाएगी और कॉलेज भी खुल जाएगा। तो आपके लिए एक अच्छा मौका है, जो लोग को एडमिशन नहीं हुआ स्नातक पार्ट वन में, उन्हें एक मौका मिल रहा है, वो अपना एडमिशन करवा लीजिए। साथ ही साथ ऑन द स्पॉट एडमिशन भी स्टार्ट हो रही है, यानी जो ऑन द स्पॉट एडमिशन होगी वो आपका जो होने वाला है 20 से 23 अक्टूबर के बीच में चलने वाला है, जो कि साबितों पर मेंशन भी किया गया। दोस्तों यदि मैं सीटों की संख्या के बारे में बात करूँ तो आप देख पा रहे होंगे स्नातक पार्ट वन यानी सन 2021-24 में 30 अंगीभूत कॉलेजें हैं। इनमें समान विषयों को लेकर के 86,038 सीट हैं, जिसमें से 21,333 सीटों पर नामांकन हो चुका है और नामांकन ऑन द स्पॉट लेनी है, जो कि 64,705 सीटें पर जो एडमिशन होनी है, जिसमें से आप देख पाएंगे 25,505 स्टूडेंट ले सकेंगे नामांकन। तो यहाँ पे जो खबर है बहुत महत्वपूर्ण और विशेष खबर भी है। नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे बहुत सारी जानकारियाँ भी दिया गया है विषयवार तरीके से, तो आप इसे जानना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम भी यूज कर सकेंगे, ठीक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं पूर्णिया यूनिवर्सिटी से खबर आ रही है और यहाँ पे सीनेट की बैठक होने वाली है, जो कि आगामी 27 अक्टूबर से होगी और ये जो बैठक होने वाली 23 अक्टूबर तक ये साफ हो जाएगा कि बैठक को लेकर के सदस्यों की रूपरेखा किस तरीके से होने वाली है। तो यहाँ पे हमारे साथ बने रहेगा, आपको अपडेट मिलते रहेगी। और साबितों पे देख पा रहे होंगे सदस्यों के प्रश्नों से तय हो जाएगा कि सीनेट की पहली बैठक का मियाज क्या कुछ है। नेक्स्ट आप देख पाएंगे इन प्रश्नों से पूछे जाने का असर बहुत ज़्यादा है, जो कि लोकायुक्त जांच में कैशबुक प्राप्त करने को लेकर के परहेज कैसा और भी बहुत सारी डिटेल्स और जानकारियां हैं। तो यहाँ पे इन सभी चले मैं मार्किंग ही कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके, ये जो इस तरीके का प्रश्न पूछा जा सकता है। तो चलिए नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में आ जाते हैं, जो कि यहाँ पे खबरें हैं पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी यानी PPU से, और कॉलेजों को नहीं मिल रही है एडमिशन फॉर्म की राशि। तो यहाँ पर साबितों पर देख रहे हैं, जो कि पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय से खबर है। नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे बिहार विश्वविद्यालय से खबर है, तीसरा लिस्ट के बाद भी नामांकन से छूटे स्टूडेंटों को संबंध कॉलेजों में मिलेगा मौका, जो कि जो स्टूडेंट को नहीं एडमिशन हुआ उन्हें एक मौका मिल रहा है, उस मौके का फ़ायदा उठाइए और अपना एडमिशन ले लीजिए। जो कि यहाँ पे तीसरा मेरिट लिस्ट आप देख पा रहे होंगे 33,000 स्टूडेंट इसमें एडमिशन ले लेंगे और बहुत सारे स्टूडेंटों का थर्ड लिस्ट में भी नाम नहीं आया है। तो चलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में आ जाते हैं, जो कि आप देख पा रहे होंगे PPU से ही खबर थी, जो कि PG की स्थगित परीक्षा को लेकर के खबरें हैं। और यहाँ पर साबितों पर देख पा रहे होंगे PG सेमेस्टर 1 यानी रेगुलर एवं वोकेशनल कोर्स वाले यानी सत्र 2020-22 वाले स्टूडेंटों की परीक्षाएँ जो है 8 अक्टूबर को होने वाली थी, लेकिन उसे रिशेड्यूल कर दिया गया। अब परीक्षाएँ 20 अक्टूबर से लेने की घोषणा यानी आज से स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे जो खबर है बहुत महत्वपूर्ण खबर निकल के आ रही है, साथ ही साथ आप देख पाएंगे 26 अक्टूबर तक होगी प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल साक्षात्कार की प्रक्रियाएं, जो कि 27 अक्टूबर को लेकर के 3 नवंबर के मध्य अपने अपने महाविद्यालय में जाकर के यानी कॉलेजों में जाकर के हो सकेगा। नेक्स्ट आप देख पाएंगे पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से जो खबरें आ रही है अगला, जो कि वोकेशनल कोर्स में नामांकन 23 तक लेना है, जो कि यहाँ पे साबितों पे मेंशन कर दिया गया अक्टूबर तक यानी 23 अक्टूबर तक आपको एडमिशन ले लेना, वहीं 26 अक्टूबर तक कॉलेज उसे वैलिडेट कर देगा ताकि आपका जो भी वेरीफाई हो सके कि आपने एडमिशन ले चुके हैं और उसके बाद कितनी सीटें बचे हुए हैं तो वो भी अपडेट करना होगा, जो कि कॉलेजों को ही करना है। नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं TMU से तिलकामांझ भागलपुर यूनिवर्सिटी से खबरें हैं और आप यहाँ पे साबितों पे मेंशन किया गया है और आप देख पा रहे होंगे कॉलेज आज से खुल जाएंगे, जो कि दुर्गा पूजा के कारण अवकाश था, इन्हीं कारणों से आज यानी 20 अक्टूबर 2021 को खुल जाएगी। और साथ ही साथ नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आप देख पा रहे होंगे MS कॉलेज में इंटर की सेंटर परीक्षाएं जो है वो 22 से स्टार्ट हो जाएगी, जो कि बिहार बोर्ड से खबरें निकल के आ रही है। उसके लिए आप अपने कॉलेज में जाकर के नोटिस बोर्ड को देख लीजिए, नोटिस बोर्ड पर लिस्ट को चिपका दिया गया है, नोटिफिकेशन को चिपका दिया गया है। और कोविड-19 का गाइडलाइन का भी पालन करना जरूरी है और मास्क लगाना भी अनिवार्य है,
डिस्टेंसिंग का भी पालन करना अनिवार्य है। नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे पीएसडी स्थगित परीक्षा को लेकर के, जो कि पीपीयू यानी पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से खबरें हैं, और आप देख पा रहे होंगे प्रीति सेमेस्टर 1 यानी रेगुलर एवं वोकेशनल कोर्स 2020-22 के लिए 8 अक्टूबर से होने वाली, जो कि मैंने अभी शुरुआत में ही आपसे बात किया था। साथ ही साथ वोकेशनल कोर्स वाला स्टूडेंट का अध्यक्षता का नामांकन लेना, जो कि आप जल्द से जल्द नामांकन ले लीजिए। नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं पटना यूनिवर्सिटी से, जो कि वोमेंस कॉलेज पटना से खबरें निकल कर रही, और ट्रेनिंग कॉलेज में एक भी नियमित शिक्षक नहीं है, जो कि साफ तौर पर आप देख पा रहे हैं केवल प्रचार से सहारे चल रहा है कॉलेज। तो आप ऐसा नहीं होना चाहिए, तो बहुत सारे टीचरों की भी आवश्यकता है, तो इन सभी को फिल करने के रिक्त जो भी सीटें हैं उसे फिल कीजिए, ताकि स्टूडेंटों को परेशानियाँ ना हो सके। साथ ही साथ आप देख पा रहे हैं 2 वर्षीय बीएड होने के बाद दोगुने शिक्षक की ज़रूरत है, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं जो कि पटना यूनिवर्सिटी से खबरें आ रही है, बहुत महत्वपूर्ण और ख़ास है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आप देख पा रहे हैं पीजी विभाग में 140 शिक्षक व 20 शिक्षोत्तर कर्मियों की बहाली का रास्ता हुआ है साफ, जो कि यहाँ पर साफ तौर पर देख पा रहे हैं ये जो खबर है बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि मुंगेर विश्वविद्यालय से खबरें आ रही है। सिंडिकेट आप यहां पे देख पा रहे हैं, मैं इसे जूम करता हूं तो आप देख पा रहे हैं विगत 9 अक्टूबर को संपन्न हुई थी सिंडिकेट की बैठक, और विश्वविद्यालय की मुख्यालय के सामने बने डीजे कॉलेज के भवन में ही पीजी विभाग खोलने के लिए सहमति बनी हुई है। तो यहाँ जो खबरें निकल कर आ रही ये भी बहुत महत्वपूर्ण और ख़ास खबर है। साथ ही साथ आप देख पा रहे हैं विश्वविद्यालय में कई वोकेशनल कोर्स होंगे शुरुआत, तो ये भी अच्छी खबरें निकल के आ रही है, जो कि जितना ज़्यादा कोर्स रहेगा स्टूडेंटों को उतना ही फायदा होने वाला है। नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं जो कि यहाँ पे जो खबरें आ रही हैं TMU से, और यहाँ पे साफ तौर पर देख पा रहे हैं स्नातक में ऑन स्पॉट नामांकन के लिए कॉलेज में आवेदन आज से स्टार्ट हो जाएगा। तो ऑनलाइन आपका जो देख पा रहे हैं ऑन द स्पॉट जो एडमिशन होने वाली आपके लिए अच्छी खबरें हैं, आप जल्द से जल्द ऑन द स्पॉट एडमिशन करवा लीजिए, जो कि जो स्टूडेंट वंचित रह गए। नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे जो कि यहाँ पर CBSE से खबर निकल कर टर्म 1 की परीक्षाएं ओमासीट के तैयारी कर लिया गया है, यानी ओमासीट पर आपकी एग्जाम होगी, जो कि मैंने पहले भी बड़ी खबर के माध्यम से आपको बता दिया आ रहा हूँ। नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे पटना वोमेंस कॉलेज से, जो कि बीएड में स्पॉट एडमिशन के लिए मांगा गया है आवेदन, तो यहाँ पर जो खबरें निकल कर ये भी महत्वपूर्ण खबरें आ रही है। और यहाँ पे साफ तौर पर देख पा रहे हैं 2021-23 वाले इच्छुक छात्राएं 25 अक्टूबर तक बीएड डिपार्टमेंट के ऑफिस काउंटर पर जाकर के 9 बजे से 12 बजे तक फॉर्म ले सकेंगे, आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे साफ तौर पर देख पा रहे हैं दिन शाम 5 बजे तक स्पॉट एडमिशन की चयनित स्टूडेंटों यानी छात्राओं की पहली लिस्ट जारी कर दी जाएगी। चयनित स्टूडेंटों यानी छात्राओं को 26 तक अपना एडमिशन ले लेना है, तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण और ख़ास खबर है। नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे जो कि भूपेंद्र नारायण मंडल यूनिवर्सिटी से खबर निकल कर राष्ट्रीय संगोष्ठी के लिए रजिस्ट्रेशन का आज तक यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो खबर है बहुत महत्वपूर्ण है। और साफ तौर पर भी देख पा रहे हैं BNMU जो से खबरें हैं वो कॉलेजों में आगामी 21 नवंबर को होने वाली है राष्ट्रीय सेमिनार, तो अच्छी खबर निकल के आ रही है। दोस्तों आप ये भी देख पा रहे हैं 30 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन करने के लिए निर्धारित तिथि है, उसे बढ़ा करके 20 अक्टूबर कर दिया गया है, तो ये खबरें आज तक का है, जो कि आपको 20 अक्टूबर तक दिया गया समय। आप ये भी देख पा रहे हैं एडमिशन उनको लेकर के 1200 रुपये, रिसर्च स्कॉलर को लेकर के 1000 स्टूडेंट को 800 रुपये शुल्क को जमा करना है, जो कि यहाँ पर सप्तों पर मेंशन किया गया। आप इसे विशेष रूप से जानना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट, आप देख पा रहे होंगे CET के लिए 25 अक्टूबर तक बढ़ी है आवेदन की तिथि, जो 2021 CET वाले स्टूडेंटों के लिए खबर। यहाँ पर भी बहुत सारी डिटेल्स और जानकारी निकल कर रही, इससे भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे बिहार विश्वविद्यालय से खबरें आ रही हैं PGRC की बैठक नहीं होने के कारण 410 शोधार्थियों की रिसर्च अटका हुआ है, जो कि ऐसा नहीं होना था, जल्द से जल्द इन सभी डिटेल्सों को फाइनल कर देना चाहिए था, ताकि स्टूडेंटों को भी परेशानियां ना हो सके। नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं गेस्ट शिक्षक बहाली को लेकर के 500 से अधिक आवेदन आ चुके हैं, TMU से खबरें निकल के आ रही है। आप देख पा रहे हैं अलग अलग विषयों के लिए 150 से अधिक सीटों पर बहाली होनी है। रजिस्ट्रार डॉक्टर निरंजन प्रसाद यादव ने कहा कि दुर्गा पूजा के छुट्टी के जो था बंद विश्वविद्यालय बंद था, इन्हीं कारणों से खुलने के बाद गेस्ट शिक्षक अभ्यर्थी आवेदन जमा करा सकेंगे। नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं रजिस्ट्रेशन नहीं होने से स्टूडेंटों को छात्रवृत्ति से वंचित रह सकते हैं, जो कि पोस्ट मैट्रिक वाले जो स्कॉलरशिप है उसके लेकर के, जो कि उस पोस्ट मैट्रिक का
जो लास्ट डेट है वो 31 अक्टूबर है। तो 31 अक्टूबर से पहले ही सभी विश्वविद्यालय को इन सभी डिटेल्स से फाइनल कर देना चाहिए था ताकि स्टूडेंटों को लाभ मिल सके। नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे सिटी के डेट को बढ़ा दिया गया और 25 अक्टूबर तक आवेदन कर सकेंगे। यहाँ पर बहुत सारी जानकारियाँ दिया गया, चलिए कैसे भरेंगे फॉर्म, तो यहाँ पर चलिए मैं जूम कर देता हूँ, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यहाँ पर वेबसाइट भी मैंशन किया गया www.cteet.nic.in पर जा करके पात्रता परीक्षा को लेकर के फॉर्म भरना होगा। तो यहाँ पे बहुत सारी जानकारियाँ निकल के आ रही है। नेक्स्ट आप देख पाएंगे सीटी की तिथियाँ भी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया, अंतिम तिथि 25 अक्टूबर है। वहीं शुल्क जमा करने को लेकर के 26 अक्टूबर बोला गया, ऑनलाइन करेक्शन करने के लिए 22 से 28 अक्टूबर दिया गया, डाउनलोड एडमिट कार्ड करने के लिए दिसंबर महीने के फर्स्ट वीक में बोला गया। साथ ही साथ आप देख पा रहे होंगे पात्रता परीक्षा यानी तिथि 16 दिसंबर से 13 जनवरी 2020, यानी रिजल्ट आने का संभावना है 15 फरवरी 2022, लेकिन हो सकता है कुछ दिन और भी बढ़ सके। तो हमारे साथ बने रहिएगा तो आपको अपडेट मिल जाएगी। नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं जो यहाँ पर खबर निकल के आ रही है, स्नातक में ऑनर्स पर दाखिले को लेकर के आवेदन आज से, परीक्षा और कापी जांच पर भी जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। जो कि यहाँ पर खबर निकल कर रही है TMBU से, तिलकमांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी से। 10 दिनों के अवकाश के बाद खुला है विश्वविद्यालय पाठ्यपन्न में 10,000 और नामांकन की उम्मीद बनी हुई है। यहाँ पे साफ तौर पर देख पाएंगे 25,000 नामांकन के लिए आवेदन दे सकते हैं स्टूडेंट, जो कि 2021-24 वाले स्टूडेंटों के लिए। और ऑन द स्पॉट नामांकन के लेकर के बुधवार 25 अक्टूबर तक आवेदन लिया जाएगा, यानी 25 अक्टूबर तक आपके पास मेनली समय है। नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे 40,000 स्टूडेंटों की कॉपियाँ होनी है, जो कि 2019-22 वाले स्टूडेंटों के लिए। जो लोग ऑनर्स परीक्षा यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 40,000 स्टूडेंटों ने ऑनर्स की परीक्षा भी हाल में ही दिए हैं। वहीं मूल्यांकन को कापियां बाकी है, सब्सिडी विषय की जो परीक्षाएं 22 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे जो खबरें निकल कर ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। 47 PG की परेड का परीक्षा भी बाकी है, जो कि 17-19 वाले यानी चौथे सेमेस्टर के PG वाले स्टूडेंटों के लिए खबरें निकल के आ रही। नेक्स्ट आप देख पाएंगे प्रोफेसर कॉलोनी में सुरक्षा को लेकर के शिक्षक आज विश्वविद्यालय अधिकारी से मिलेंगे। तो यहाँ पे जो खबरें निकल के आ रही, प्रोफेसर कॉलोनी में कैंपस स्थित शिक्षिका के अवकाश पर लूट हुआ है दशहरा के बाद, तो ये इन्हीं कारणों से बैठक होगी। और इसमें बहुत सारे डिटेल्स भी सामने निकल के आ रहे हैं, सुरक्षा को लेकर के भी कुछ नियम बनाए जाएंगे, कुछ ध्यान रखा जाएगा। नेक्स्ट हम देख पा रहे होंगे पथरा गई है आंखें और दावों के बीच कब खुलेगा मुंगेर विश्वविद्यालय की PG विभाग, नहीं मिले शिक्षक। तो यहाँ पे जो डिटेल्स निकल के आ रही बहुत महत्वपूर्ण और खास खबर भी है। विश्वविद्यालय को यानी मुंगेर विश्वविद्यालय को PG के लिए मिला था 160 पदों के लिए स्वीकृति। नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो खबरें निकल के आ रही है, PG के लिए जून 2021 में ही विश्वविद्यालय को मिल चुकी है 160 पदों पर नियुक्तियां स्वीकार। तो यहाँ पे जो खबरें निकल के आ रही है ये भी बहुत महत्वपूर्ण और खास खबरें निकल के आ रही है। तो आज की जो भी लेटेस्ट अपडेट थी हमने आपके साथ में साझा किया, तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मुझे आशा है आपको वीडियो पसंद आएगी, तो इस वीडियो को सभी मित्रों तक फैला दीजिए, क्योंकि बड़ी खबर में ही सारे बिहार के जो भी यूनिवर्सिटी हैं उन सभी को जो भी खबरें निकल के आती बड़ी खबर के माध्यम से सूचित कर दिया जाता। थैंक यू।